गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट्स ये स्टडी रेटिड रिविजन ऑफ सिंपल परसेंट टेंस जहाँ पे हमने टेन सेंटेंसेस आपको समझाए थे और वो टेन सेंटेंसेस आपने एक्स्ट्रा नोटबुक में भी लिखे तो आज हम सेम एज उसका करेंगे सिंपल पर्सेंट टेंस का एक बार फिर से रिविजन करेंगे टेन सेंटेंसेस का एंड सेम एज यू हैव टू राइट इन एक्स्ट्रा नोटबुक ना फर्स्ट वन इज दे यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है प्ले यहाँ पे देखो पिक्चर्स में भी दिया है बहुत पॉइंट टू थ्री फोर फोर चिल्ड्रेन दे आर प्लेइंग है न तो दे प्ले क्या खेल रहे हैं फुटबॉल यहाँ पे प्ले है यहाँ पे दे है दे क्या है हमारा प्रोगल होता है दे प्रोवल होता है तो वहाँ पे हम एस ई एस नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा दे प्ले द फुटबॉल दे प्ले द फुटबॉल सेकेंड ही ही देर इज़ अ बॉय क्या कर रहा है गाना गा रहा है ना तो सिंग है तो ही सिंगलर होता है ही शी इट तो ही के साथ सिंगलर है तो हमने क्या किया सिंग जो वर्ब है उसमें एस लगा दिया ही सिंग्स क्या हो जाएगा ही सिंग्स मतलब ये गाना गा रहा है ही सिंग्स थर्ड शी के साथ देखो रीड है देर इज़ अ गर्ल बुक तो क्या लिखेंगे यहाँ पे शीड्स की शी क्या होते हैं सिंगलर होते हैं तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे तो स्पेलिंग विल बी आर ई ए डी एस रीड्स तो शी रिट्स अ बुक वो एक बुक को रीड कर रही है फोर मैनजाम ये जो बॉय है इसका क्या नाम है टॉम नाम है क्या नाम है इसका टॉम और टॉम क्या कर रहा है जम्प कर रहा है तो जम्प टॉम इज़ वन पर्सन अगर एक कोई नाउन होता है तो वो क्या होता है सिंगलर होता है तो वहाँ पर हमने एस लगा दिया जे यू एम पी एस जम्प्स हो जाएगा टॉम जम्प्स देखो जम्प कर टॉम तो जम्प्स मतलब टॉम कूद रहे हैं फाइव माई मम मतलब माई मम मतलब मेरी ममा माई मम मेक मेक मतलब बनाना कोई चीज़ बनाते हैं ना खाना तो बनाना अ केक फॉर मी मेरी मम्मा मेरे लिए एक केक बना रही है तो इस पिक्चर में दिख भी रहा है कि वो बना रही है तो यहाँ पे एम ए के ई लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या लगा देंगे एस लगा देंगे माई माम मेक्स अ केक फॉर मी मतलब मेरी मम्मा एक केक बना रही है मेरे लिए तो यहाँ पे एस लगाया बिकॉज माई माम इज सिंगुलर सेक्स मार्टिन मार्टिन इज अ बॉय इसका नाम क्या है मार्टिन है तो मार्टिन क्या हो जाएगा प्ले मार्टिन क्या कर रहा है क्या खेल रहा है या फिर प्ले कर रहे हैं द गिटार जब भी हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं प्ले यूज़ करते हैं हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं प्ले so, मार्टिन प्लेज द गिटार तो क्या हो जाएगा मार्टिन प्लेज द गिटार यहाँ तो पे एस लगाए बिकॉज मार्टिन इज सिंगुलर तो मार्टिन प्लेज द गिटार सेवन द शेफ शेफ़ कौन होते हैं जो खाना बनाते हैं जो होटल्स वगैरह में खाना बनाते हैं या घर पे खाना बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं शेफ द शेफ कुक्स मतलब खाना बनाना द शेफ़ कुक्स यहाँ पे देखो शेफ़ सिंगल है जब सिंगल है तो हमने वर्ब में एस लगाया क्योंकि सिंगलर में हम एस ई एस और आई एस लगाते हैं तो दैफ़ दे देखो यहाँ पे एक गर्ल एक बॉय है दे आर राइडिंग बाइक्स यहाँ पे क्या होगा इन द गार्डन तो देखो यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है ब्रैकेट में क्या लिखा है राइट अ बाइक मतलब राइट अ बाइक अगर कोई सिंगलर होता है तो राइट अ बाइक होता है बट यहाँ पे दो बच्चे हैं एंड दे आर प्लेइंग यहाँ पे क्या हो जाएगा राइड दे के साथ एस ई एस तो लगाएंगे नहीं तो दे राइड राइट right? और एक बाइक नहीं है टू बाइक से मतलब एक से ज़्यादा बाइक से तो यहाँ पे हम लगा देंगे बाइक्स दे राइट बाइक्स इन द गार्डन क्या हो जाएगा दे राइट्स सॉरी दे राइट बाइक्स इन द गार्डन नाइन द बर्ड्स जब एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे फ्लाई द बर्ड्स फ्लाई मतलब अगर एक होता है तो फ्लाइज और एक से ज़्यादा है तो द बर्ड्स फ्लाइज so if the birds fly टेन we make we मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ है दो बच्चे हैं और वो स्नोमैन बना गए जब हिल स्टेशन पर कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है स्नोमैन वहाँ पे बनाते हैं ना तो वैसे इन लोगों ने दो बच्चे जो हैं वो स्नोमैन मैन बना गए जो बर्फ से खेलने के लिए बनाते हैं ना डैडी जैसा उसको स्नोमैन बोलते हैं तो दो बच्चे हैं तो वी मेक स्नोमैन वे मेक मतलब एक से ज़्यादा है तो वी मेक स्नोमैन तो दीज आर सेंटेंसेस जो कि आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखना है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है आज के विजन ओके तो आई होप आपको ये सिंपल क्वेश्चन टेंस के सिंगलर प्लूगल और कहाँ पे एस ई एस लगाना है वो आपको क्लियर हो गया होगा विद दिस हम सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स